सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरियाणा के दौरे को लेकर। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज भी उनका प्रचार होना है। चुनाव प्रचार की आज भी कमान संभाली हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आज 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे जिसमें अटेली है, रादौर है, फरीदाबाद है, जगाधरी है, यहाँ पर जनसभा होने जा रही है। फरीदाबाद के NIT विधानसभा क्षेत्र की डबुआ सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। वहीं अटेली विधानसभा में एक जनसभा होनी है जहां पर आप देख रहे हैं लगातार भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की डिमांड में वो हमेशा प्रचार लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। फूलपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और जीत की रणनीति बनाने वाले हैं। सनातन और हिंदू विरोधी आरोपी से घिरी समाजवादी पार्टी, इन आरोपी और आरोपियों के साथ घिरी ये पार्टी जिसके सांसद अफजल अंसारी के बिगड़े बोल सुनाई दिए हैं। एक बार फिर उनके बयान पर घमासान मच गया है जिससे उन्होंने महाकुंभ और संत महात्माओं का जिक्र किया है और अब इसीलिए उनके विवादित बोल जिसकी वजह से वो चारों तरफ घिरे हुए हैं। अफजल अंसारी के इस बयान के बाद साधु संतों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सनातन के अपमान को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गाजा की तो खत्म हो जाएगी। यह समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी पार्टी होने का कारण बनेगा। सनातनी कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा, गलतफहमी में ना रहे कि हम जातियों में बटे। कई मंदिर मठों में वो लोग भी परंपरागत गांजा पीते हैं। पद पर रहते हुए मर्यादित भाषा और बयानों को देना चाहिए। संत और सनातन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड जगजाहिर है। कई ऐसे मामलों में समाजवादी पार्टी के नेता सनातन के खिलाफ जहर उगलते दिखे हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने साधु संतों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, जिसमें उन्होंने गांजा को लेकर साधु संतों और महात्माओं पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा, क्योंकि साधु संत और महात्मा बड़े शौक से भगवान का प्रसाद कहकर गांजा पीते हैं। गांजा को हम कहते हैं क्या, आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा ना, एकाद मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। सपा सांसद अफजल अंसारी के इस गंजेड़ी ज्ञान पर विवाद छिड़ गया है। साधु संतों ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अखिलेश यादव की चाल है। यह कूटनीति के चलते सपा के मुखिया अखिलेश यादव की चाल है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर खुद और अब अफजल अंसारी के द्वारा साधु संतों के ऊपर टिप्पणी कराई गई। यह समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी पार्टी होने का कारण बनेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, अफजल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं।
तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया ही कहता हो मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो उस पार्टी का सांसद है तो स्वाभाविक है उसके मन में सनातन के प्रति द्वेष रहेगा ही रहेगा। अफजाल अंसारी के गांजा पर दिए बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा से ही सनातन का अपमान करते रहे हैं, सांसद रहते ऐसा बयान देना बेहद गंभीर है। ये गाली देना बंद करें हिंदुओं को, अब बहुत हो गया। सनातनी कोई हाथ में छुरी नहीं पहन रखा है। गलतफहमी में ना रहे कि हम जातियों में बटे हुए हैं। सनातनी भी समझ गए हैं कि बटे कि कटे, इसलिए अब हम बटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी और अफजाल अंसारी कानून व्यवस्था तोड़ने के प्रतीक रहे हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गांजा फ्री कर देना चाहिए। अरे भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह की जबान बोल रहे हैं? अफजाल अंसारी के इस बयान पर जहां साधु संत नाराज हैं, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी गोलमोल जवाब देकर इस बयान से पल्ला छुड़ाती दिख रही है और कांग्रेस इस बयान को अफजाल का निजी बयान बता रही है। बुराई नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। कई मंदिर मठों में हमारी आपकी जिनमें आस्था भी है साधु संतों में, वो लोग भी परंपरागत गांजा पीते हैं। ये अफजाल अंसारी जी का व्यक्तिगत बयान है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें पद पर रहते हुए मर्यादित भाषा और बयानों को देना चाहिए, वही बेहतर होता है। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले अफजाल के गांजा पर दिए ज्ञान से एक बार फिर समाजवादी पार्टी घिरती दिख रही है। हालांकि सियासत जारी है, लेकिन बार बार सनातन पर प्रहार क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।